गुरुदेव जब अपनी अस्वस्थ लीला कर रहे थे तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, यहीं ऊपर माला प्रिया सेवक के रूप में उनकी सेवा कर रहे थे। तो मैं बड़ा ही उदास सा गुरु महाराज जी के मुख की ओर देख रहा था। महाराज ने कहा, बोलो माधव प्रिया बोलते हैं महाराज जी रामचंद्र दास पूछ रहे हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो गुरुदेव उस समय जैसे एकदम उचक के ना एकदम बैठ गए, जैसे व्यासासन पे बैठे। मैंने जो कहा वो सुनो और उसका सर्वत्र विचार करो। तो गुरुदेव की बात को इस स्मरण कर करके क्या कहा क्या नहीं कहा, कुछ उनकी ऑडियो टेप थी वो कभी कभी सुनी कभी नहीं सुनी, लेकिन अभी ऑडियो टीम वालों ने बड़ा सुंदर गुरुदेव के लेक्चरों को रिफाइन करके एकदम भेजना शुरू किया है। बड़े सुंदर, बहुत पुराने, कई बार तो मैं उन लेक्चरों में होता था, मेरी आवाज़ भी होती थी। माधव महाराज जी की आवाज़ तो हर लेक्चर में ही मौजूद थी, वो तो गुरुदेव एक श्लोक बोलेंगे तो पीछे से वो बोलेंगे बोलेंगे। लेकिन आज जब मैं सुनता हूँ उन लेक्चरों को, उसमें जो रस आता है, उसमें जो बात दिमाग में खुलती है, वो उस समय इतनी नहीं खुली जब तब सुने थे। जैसे छोटी छोटी बात, गुरु पूजा क्या है, गुरु पूजा क्या है, बोलते हैं उसी को व्यास पूजा भी कहते हैं। तो व्यास पूजा के उपलक्ष्य में लेक्चर दे रहे थे गुरुदेव, गुरु पूजा और व्यास पूजा, उसी को ही व्यास पूजा भी कहते हैं। क्यों करते हैं, कौन है गुरु? गुरु ही व्यास हैं, जिन्हें हम वेद व्यास कहते हैं ना, गुरु उनके प्रतिनिधि हैं, तो उनको भी हम व्यास ही मानते हैं। जब वो गद्दी पे बैठते हैं तो उसे क्या कहते हैं, व्यास आसन। क्यों? तो व्यास हम जानते हैं, इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, एक सर्किल के दो कोने जो केंद्र से होते हुए एक रेखा खींची जाए वो डायमीटर या व्यास कहलाती है। फिर गुरुदेव एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि सर्किल से हम कैसे समझ लेंगे कि गुरु और व्यास एक ही हैं। बोलते हैं एक तालाब के किनारे जाओ और एक पत्थर लो और तालाब के बीचों बीच में पत्थर को फेंक दो, पड़क। जैसे ही पत्थर तालाब में गिरेगा तो जहाँ पत्थर गिरेगा वहाँ एक सर्कल बन जाएगा, थोड़ी देर में वो सर्कल फिर आगे बढ़ जाएगा, दूसरा सर्कल बन जाएगा, फिर तीसरा सर्कल बन जाएगा, और धीरे 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 केंद्र में गिरा हुआ वो पत्थर उससे बने हुए सर्कल उस तालाब के कहाँ तक पहुँच जाएंगे, छोर तक पहुँच जाएंगे, एंड तक पहुँच जाएंगे। इसी तरह से केंद्र में कृष्ण को रखकर जो कृष्ण की महिमा को सारे विश्व में घुमा घुमा के विस्तार करता है वही क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है।
तो कृष्ण की महिमा का प्रचार करने वाला ही गुरु है और वही व्यास है। तो गुरु पूजा ही व्यास पूजा है। कितने इंटरेस्टिंग ढंग से गुरुदेव एक एक स्टेप को लेते लेते समझाते चले जा रहे हैं। कौन हो सकता है गुरु, कौन हो सकता है? तो बोले तीन तरह के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, कनिष्ठ मध्यम और तीसरे हैं उत्तम भक्त। तीन तरह के भक्त होते हैं। जो कनिष्ठ भक्त हैं उनका तो गुरु होने का कोई मतलब ही नहीं, वो तो वास्तव में भक्त भी नहीं माने जाएंगे, लेकिन हम कह देते हैं भक्त क्योंकि वो कभी कभी कृष्ण का नाम ले लेते हैं। मध्यम और उत्तम, उत्तम भक्त वो भक्त हैं जो उत्तम है, वो अगर नजर से देख लेंगे तो आप में भक्ति आ जाएगी, यही उनकी कृपा है। हाथ रख देंगे सिर पे, भक्ति आ जाएगी, पर वो मिलते नहीं है और वो ऐसा करते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी नजरों में सभी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सभी। वो इस चीज में फर्क नहीं कर पाते हैं कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है। उनको सभी एक जैसे लगते हैं। ये उत्तम भक्त तीन तरह के होते हैं, उत्तम भक्त भी तीन तरह के। एक है, नहीं, कसाय, सुप्त कसाय, निर्धूत कसाय और पार्षद, तीन तरह के। क्या क्या? सुप्त, मूर्छित कसाय, सुप्त नहीं, मूर्छित कसाय, निर्धूत कसाय और भगवान के पार्षद, तीन तरह के होते हैं। ये लेवल हो गए। तो जो इस शरीर में है पर उत्तम भक्त है, उसमें कसाय तो होंगे पर उसके सोए हुए कसाय होंगे या बेहोश हो गए कसाय। उसको क्या कह दिया? मूर्छित कसाय। कसाय क्या हो गए? मूर्छित। बोलते हैं जग सकते हैं कभी भी, जैसे ज्वालामुखी होते हैं ना, सुप्त ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, कभी भी फट सकता है। थोड़ा सा वहां कॉशियस है। क्यों? इस शरीर में ये दोष है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो उसमें कोट किया क्या कि जब नारद जी अपने पिछले जन्म की कथा सुना रहे थे और कह रहे थे कि मैं छोटी सी उम्र में था तो मैंने भक्तों के मुख से कथाएं सुनी और सुनने के बाद मैं तो एकदम भक्ति में डूब गया, विरक्त हो गया, उनके साथ ही जाना चाहता था। उन्होंने रोक दिया कि माँ का तो अकेला बेटा है, माँ भी विधवा है, और माँ जब मर गई तो वो चले गए किसी अच्छे सात्विक स्थान पे बैठकर उन्होंने भजन किया और भगवान ने एक झलक दिखा दी और कहा कि इससे आगे अब तू इस जन्म में नहीं देख सकेगा, बस इसी का स्मरण करके मेरा भजन कर, सर्वत्र घूम। अब उनका कोई कसाय नहीं रहा, एक थोड़ा सा सात्विक भाव उनके अंदर था, वही कसाय समझ लो, बाकी संसार का कोई कसाय नहीं। तो ये कौन से हो गए? मूर्छित कसाय, नारद जी। और दूसरे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, निर्धूत कसाय, कि कसाय का क्या हो गया, एकदम खत्म हो गए, अब वो उठेंगे नहीं। सुखदेव गोस्वामी जी के लिए बतला रहे थे, बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया कि उनके पिताजी ने जनक जी के पास भेजा, जाओ शिक्षा लेके आओ। जनक जी ने उन्हें टेस्ट करने के लिए सुखदेव गोस्वामी को, दो तीन दिन तक उनकी पूछताछ नहीं की, वो दरवाजे के बाहर ही पड़े रहे,
ये देखने के लिए वो सम्मान अपमान के बारे में कितना देखते हैं। वो वहाँ किसी ने उनकी ख्याल नहीं लिए, वो बाहर दरवाजे में खड़े रहे, दो तीन दिन ऐसे रहे। फिर कुछ महिलाएं आई, उनको ले गईं और वन में घुमाने लगीं, सुंदर सुंदर महिलाएं। वो जहाँ ले जाएं ये जा रहे हैं, पर वो महिलाओं की तरफ दृष्टि नहीं डाल रहे। क्यों? उनके कसाई क्या थे? निर्धुत कसाई थे। वो सुखदेव गोस्वामी है। ऐसे लोगों से ऊपर होते हैं जिनका ये शरीर छूट गया, उनको आत्मिक शरीर मिल गया, स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई, और वो भगवान के साथ रहते हैं। वो कौन से हो गए? वो पार्षद, भागवत पार्षद। ये नारद जी जब इस शरीर को छोड़े तो उसमें चले गए। ऐसे उत्तम कोटि के भक्त बस एक बार कहते हैं, वाल्मीकि को कह दिए बोल राम राम, और वो राम राम कहते हुए समाधि में बैठ गया। देख लेंगे तो काम बन जाएगा। वो मृगरारी था ना, उसको कहा क्यों मारता है तू पक्षियों, या एक बार एक को पूरा मार दे फिर दूसरे को मार, पहले ऐसे कह के उसको शिक्षा दी। शिक्षा देकर भक्ति देना उत्तम भागवतों का काम नहीं है। वो तो क्या करते हैं, सीधा कृपा दे दिया, जो हो गया काम। शिक्षा देकर भगवान की भक्ति देना ये मध्यम अधिकारी की चीज है। इसलिए गुरु अधिकतर अगर उत्तम है तो नीचे उतर जाएंगे, स्टेप डाउन करेंगे, कहाँ आ जाएंगे? मध्यम में। तो अधिकतर गुरुदेव बोलते थे कि जो सदगुरु जिसे कहते हैं, जिसमें भागवत कहती है कि शब्द निष्णात, यानी शास्त्रों में जो को क्या हो वो परफेक्ट हो, शब्द मैंने शास्त्र, शास्त्र में क्या हो वो निष्णात, निपुण होने चाहिए, एक ये गुण होना चाहिए। और दूसरा गुण उनमें होना चाहिए कि अनुभव हो। किसका अनुभव होना चाहिए? मैं शरीर नहीं हूँ इस चीज का अनुभव, ये कोई अनुभव नहीं है। मैं आत्मा हूँ इस चीज का अनुभव, ये भी कोई अनुभव नहीं है। अनुभूति हो तो भगवान की, भगवान की लीलाओं की, दर्शन की, और इसे हम कुछ कुछ यूँ कह सकते हैं स्वरूप सिद्धि हो उसकी, क्योंकि है तो वो अभी इस मटेरियल बॉडी में। शब्द निष्णात और दूसरा है अनुभूति संपन्न, और तीसरा है संसार की चीजों से विरक्त। देखो एक छोटी सी चीज है, भौतिक जगत जड़ जगत है, टूट फूट वाला जगत है, ये अचित है, चित नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है। और जो स्पिरिचुअल हो जाएगा वो चित को साथ कनेक्ट ही नहीं होगा, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं लगेगा, दोनों की पकड़ ही नहीं है, एक दूसरे की पकड़ नहीं है। हमने चेतन होकर जड़ को पकड़ रखा है, कितनी बड़ी बेवकूफी कर रखी है, जबकि चेतन का पकड़ चेतन से ही है, चेतन का पकड़ जड़ जड़ से है ही नहीं। तो जिस दिन हम चेतन में अवस्थित हो जाएंगे, अपनी चेतना में अवस्थित हो जाएंगे, जड़ ना जड़ हमें जड़ तो वैसे भी नहीं पकड़ सकता, हमने ही जड़ को पकड़ा हुआ है, फिर जड़ को पकड़ने की कोई बात ही नहीं रहेगी। ऐसे मध्यम अधिकारी, ऐसे मध्यम अधिकारी भक्त वो कथा सुना सुना के, दीक्षा दे के, शिक्षा दे के वो हमारा कल्याण करते हैं, वही गुरु होते हैं। फिर सदशिष्य की बात बतलाने लगे, तो सदशिष्य में आरुणी और उद्दालक की उदाहरण देते थे गुरुदेव। लेकिन ये सद शिष्य होते हुए भी मायावादी गुरु के सद शिष्य थे, इनको मिला उनकी कृपा से लेकिन मुक्ति वाला भाव मिला। और एक असद शिष्य होते हैं, असद शिष्य में भौतिक जगत उनको बड़ा टॉप का शिष्य मानता है, जैसे एकलव्य। क्यों टॉप का मानता है? कि उसने अपना अंगूठा काट के जो बाहर की चीजें दे दे लेकिन अंदर की बात गुरु की ना माने, वो सद शिष्य नहीं हो सकता। गुरु नहीं चाहते थे कि तू वो सीख,
धनुर्विद्या। क्यों? क्योंकि धनुर्विद्या से वो अर्जुन को हराना चाहता था। गुरु ये चाहते नहीं थे, वो ये जानता था, लेकिन उसने फिर भी सीखी। तो गुरुदेव की मन की बात तो माननी नहीं, लेकिन मुंह की बात मान ली कि अंगूठा दे दी। तो इसलिए वो सद शिष्य नहीं है। कैसा शिष्य हो गया? वो असद शिष्य हो गया। ऐसे ही कर्ण था, उसने भी अर्जुन को हराने के लिए युद्ध विद्या सीखी और अपने गुरु को झूठ बोल दिया, चीट कर दिया कि मैं ब्राह्मण हूं। और फिर सदगुरु क्या है? तो गुरुदेव सदगुरु में बोलते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, दोनों एक दूसरे के गुरु और दोनों एक दूसरे के शिष्य मानते हैं अपने को। ये है असली गुरु की सदगुरु सद शिष्य। और जीव गोस्वामी उनमें टॉप में, जो रूप गोस्वामी जी के भतीजे भी थे और शिष्य भी थे। ऐसे गुरुदेव की शिक्षाओं का मैंने आपको थोड़ा सा हवाला दे दिया। टाइम ज़्यादा ले लिया लगता है, महाराज जी बैठे हैं, आप लोग उनको सुनने के लिए बैठे हो, तो मैं अपनी वार्तालाप यहीं समाप्त करूँगा। सुना है बहुत कुछ तो वो बोल सकता हूँ, वैसे मैं बोलने का इतना बड़ा अधिकारी भी नहीं हूँ और गुरु महाराज जी की तरह एडिक्टेड भी नहीं हूँ। गौर प्रेमानंद हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वैसे सर्दी है ना, हाँ ज़्यादा संभव 8:30 बजे ख़त्म कर देता हूँ। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ओं वृंदावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवश्च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्रै नमो। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद बदमो नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद
अष्टोत्तर सतिमात भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमरों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतिमात भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रभु चरण श्रीपाद संत महाराज पूज्यपाद श्री रामचंद्र प्रभु उमा दीदी एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु शत्रुवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथाजथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। मेरा मन में एक प्रश्न एक भी भावना उदित हुई चिंता मन शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं प्रतिष्ठा आशा धृष्टा सपोच रमणी में यदि नटित कथम साधु प्रेमणा सुचिरित नुनु मना। हे मन यदि तुम्हारे मन में प्रतिष्ठा आशा धृष्टा सपोच रमणी प्रतिष्ठा रूपी पवित्र स्वच्छ निर्मल होनी चाहिए। महाप्रभु पत्थर को उठाया और दूर दूर फेंक करके आए फिर झाड़ू दिया उस महिला को एकत्रित किया उसके भी दूर करके एक बार नहीं बार बार झाड़ू दे करके महिला को दूर किया फिर पानी दे करके और उसके अच्छी तरफ से धो दिया। उससे भी नहीं हुआ चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो कहीं छोटे छोटे जो दाग लगा हुआ है पत्थर के जो है और उसमें तो क्या होता है जहाँ पर छोटे पत्थर के दाग होते हैं उसमें थोड़ा बहुत मैला भी जमा रहता है वो कुछ संस्कार बैड इम्प्रेशंस पड़ा हुआ है कुछ संस्कार पड़ा हुआ है ना जाने कितने प्रकार की समस्त अनर्थ अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश ये सब पड़ा हुआ है स्वरूप भ्रम हृदय दुर्बल असत तृष्णा और अपराध और भक्तिमान ठाकुर और भी वर्णन करते जा रहे हैं मार्जन करना त्रिभुत करना और दूसरी यह है नित्य सिद्ध जो ब्रजवासी जन जो है उनके भाव रूपी किरण कण हमारी हृदय में उदित हो ये हमारे हृदय में रहना चाहिए। कृति श्रद्धा भवेत श्रद्धा सा साधना विधा नित्य सिद्ध स्वभावश प्रकटन हृदय श्रद्धा इंद्र आदि के द्वारा हमारी इंद्रियां जो है पंचकर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन एकादश इंद्रिय ये एकादश माने ग्यारह इंद्रियों के द्वारा अत्यंत सुनिपुणता के साथ वेरी स्किलफुली क्या करना पड़ेगा ये समस्त के सब झाड़ू देकर के बाहर निकालना पड़ेगा इतने सहज में नहीं जाए तो उस समय हृदय इतने रुचि भी कांति भी भागवत कथा में उसकी रुचि भी हो जाता है। भागवत कथा में रुचि होना इतने सहज नहीं है इतने रुचि होता आनंद होता है उसमें बोलने में बहुत आनंद भी होता है सुनने में भी आनंद होता है क्योंकि उसमें संबित और ह्लादिनी संबित माने भगवत तत्व ज्ञान और ह्लादिनी आनंद आकर के आ रहे नंदिनी जब आ जाता है उसके ऊपर संबित और ह्लादिनी आ जाते ये शुद्ध सत्व अभिषेक प्रेम सज्जम संभवा को रुचि भी चित्त सुमार्सिनी मार्सिन देखो उसमें कितने सुंदर होती बेहस होती है इसलिए ये जो भाव जो उत्पन्न कहा जाता है भाव वास्तव रूप में साधन के द्वारा भाव प्राप्ति नहीं होता है भाव प्राप्ति होता है कैसे कृपा सिद्ध कहा जाता है वास्तव रूप में सिर्फ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद देखते हैं भाव क्या है कृपा सिद्ध जब तक भगवत अथवा भक्तों की कृपा नहीं हो भाव प्राप्ति नहीं हो रहा
और इसके आगे जाकर के क्या होता है, प्रेम, प्रेम दशा में कैसे कैसे उत्पन्न हो जाता है, इसमें सब वर्णन है सब शास्त्र में। चित्त के निर्मल कैसे हो, विशेष करके जीवों की सबका हो सकता है उसके काम क्रोध दूर होते जाए हो जाता है, सब प्रकार चले जाता है, किंतु प्रतिष्ठा की जो आशा वो सहज रूप में नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में है, वो एक रेखा के भांति वो रहा जाता है, है? और उस जब रेखा रह जाता है, लाइन होता है, उसमें मैला जम जाता है, है? देखो ये पत्थर यदि निर्मल हो है? थोड़ा पानी डाल दो वो साफ हो जाएगा, किंतु ये पत्थर में कहीं भी वो क्या होता है, खरोच खरोच हो, क्या बोलते हैं, दरार हो, लाइन हो है? जरूर उसमें क्या जम जाता है, पानी भी रह जाता है और क्या रह जाता है, मिट्टी भी रह जाता है, इतने सहज में नहीं जाता। उससे तात्पर्य क्या है, सब प्रकार भी चले जाने पर प्रतिष्ठा की आशा वो नहीं जाता है, और प्रतिष्ठा आशा भी चले जाए और एक सूक्ष्म वस्तु रह जाता है उसके क्या, मुक्ति की आशा, कहते ना मुक्ति नहीं चाहते गुरुदेव कहते हैं गला दबा दो है? कहते बोले छोड़ो छोड़ो सांस लेना है? एक बहुत ही समझ है, जिसमें भागवत की प्रथम द्वितीय श्लोक में धर्म प्रज्जित कोईतव अत्रो परम निर्मोचन है, कोईतव शब्द करते कपट करके देखे है क्या चीज, तार मध्य कोई तो प्रधान जहा कृष्ण भक्ति हन अंतर्ध्यान, मुक्ति वंचा मुक्ति की इच्छा जो है ये कैतव का जाए कपट है। संस्कृत में दो शब्द है, एक कैतव होता है एक अकैतव कहा जाता है, कपट और एक कपट रहित छल का है। धर्म प्रज्जित कैतव अत्रो परम निर्मोचनानुसत, ये जो कपटता क्या है न, मुक्ति की वासना है, इतना सहज नहीं है, बोलते हैं हम लोग, किंतु जब साधन भजन करते करते आगे बढ़े तब पता लगता है कहाँ ये सब है, इसलिए प्रतिष्ठा की आशा दृष्टा सपच रमणी में हृदय नटित कथम साधु प्रेमणा सुचिर मन, रे मन यदि ऐसे प्रतिष्ठा की आशा तुम्हारे मन में रहे, साधु अत्यंत निर्मल शुद्ध प्रेम तुम्हारे हृदय में कैसे उदित होगा, हैं लिखते हैं उसमें जो सत्क्रिया सत दीपिका के दीपिका में ऐसे बनाने जाकर हवन आदि करते हैं उसमें गोमूत्र और गोबर चाहिए हैं, क्यों उसके द्वारा हैं है? देखो पवित्र है, इसलिए जड़ इस संसार में जो जड़ इस संसार में जो प्रतिष्ठा है उसे कहा जाए सुकरी विष्ट, सुकरी विष्ट, सुकर की विष्ट इतना अपवित्र क्यों माना जाता है ना, स्वर जो है वो क्या कहता है, क्या खाते है सुअर, बिष्टा खाता है, नरबिष्टा है वो, नरबिष्टा खाता है, मनुष्य की बिष्टा खाता है, शुकर के छोड़ दो एक तरफ रसगुल्ला रख दो और एक तरफ है हाँ एक तरफ परमन्ना रख दो और एक तरफ बिष्टा मनुष्य के, देखो वो गद 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 करके वही के जितने भी गंदी पानी है और उसमें देखो 50-60-70 जो है ए, इसलिए शुक्र विष्ट के साथ तुलना दे रहे हैं, जड़े भी प्रतिष्ठा शुक्र विष्ट, और दूसरी कार्य क्या, वैष्णवी प्रतिष्ठा
तारे करण निष्ठा। जो वैष्णव जो हमें कोई उपाधि दे दे है उसको क्या हुआ, उसे निष्ठा है। पहले पहले यही नवद्वीप परिक्रमा के अंतिम दिन जो है वहाँ दी जानते हैं है? ब्रह्मचारी को जो है क्या दिया जाता था, उपाधि दिया जाता था है? किस को देते थे, सेवा रत्न है, और क्या दिया, सेवा विग्रह, विद्यालंकार, भक्त है, अच्छा भक्ति चक्र बोले हैं, भागवत भूषण है, और तीर्थ महाराज के जो दिया भागवत भूषण है दिया। क्योंकि वैष्णव लोग जो देते हैं इसके आदर करना चाहिए, कोई निरादर नहीं। कांदिया कांदिया प्राण ना राखी बयार, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे त्रिनापेक्षा होती है न। ये किसका कीर्तन है भाई, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये कीर्तन है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारा करुणा सा, संसार की जो प्रतिष्ठा लाभ पूजा प्रतिष्ठा जड़ संसार के लोग देते हैं, किंतु वैष्णव लोग जो देते हैं वो अपराध है। इसलिए वैष्णव लोग जो देते हैं उसके सिर पर ग्रहण करना चाहिए है? जिस प्रकार भरत जी देखो रामचंद्र की क्या लेकर के आए, पादुका, खड़म जो है पादुका सिर पर लेकर के आए, और रखा कहाँ, अयोध्या में राज सिंहासन, रामचंद्र के प्रतीक मानने लगे, और नित्य कहाँ बैठे देते हैं, चेयर पर बैठे थे, और अपने कहाँ पर बैठ जाते हैं है? नीचे फोर्स है? नीचे बैठ जाते हैं। इसके मतलब नहीं है जो बच्चा बड़ा हो गया माता पिता छोटा हो गया, किंतु हम तो भी कहते हैं जो नीचे बैठते हैं वो बड़ा होता है, जो ऊपर बैठता है वो छोटा है। कभी कभी भी मजाक भी करता हूँ, देखो चौकीदार बड़ा है कि जमींदार बड़ा है, आप बताओ, जमींदार, जिसके पास जमीन है उसे जमींदार कहा जाता है, जमीन पर बैठे हुए जमींदार, और जमीन पर बैठे जमींदार, चौकी पर बैठे और जो चौकी पर बैठे चौकीदार है। जैसे उमा दी बैठे कहाँ पर बैठी है, कुर्सीदार, सोफा पर, अच्छा अरे सिंहासन कहाँ है, इसमें लकड़ी है, इसमें केवल इतना ही तो लगा दिया और कुछ नहीं है इसमें। सिंहासन किसे कहते हैं, सिंह चिन्हित आसनम इति सिंहासनम, बबरी समास कहा जाता है, समास होता है ना, सिंह चिन्हित है, पर सिंह शेर कहाँ है, सिंहासन बता रहे हो आप, बुद्धि में आ जाए, सिंह चिन्हित आसनम इति सिंहासनम, सिंह सिंह शेर रहते ना, देखे ना सिंहासन उसी की कहा जाता है, हाँ शेर बैठा रहता है ना, हाँ दोनों बैठे सिंहासन किसे कहते हैं, शायद आपका अभी पता नहीं है, सिंह चिन्हित आसनम इति सिंहासन, वो बड़ी समाज होता है इस सिंहासन है, इसमें जिसमें सिंह दोनों तरफ शेर शेर कहते हैं ना, हाँ चलो है, हाँ कुछ हमें तो संस्कृत भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान होनी चाहिए, कि सिंहासन लोग तो बोलते हैं सिंहासन सिंहासन, भाई शेरी है ही नहीं सिंहासन कहाँ से हो गया। कभी कभी मैं भी चुटकी सुना देता हूँ, देखो किसी के गाली दो है तू पशु हो मूर्ख हो पशु कहो वो बिगड़ जाएंगे, और अपने कहते हैं मैं शेर हूँ, क्या शेर पशु नहीं है, अपने को कह रहे मैं क्या हूँ, मैं शेर हूँ, हैं शेर पशु नहीं है, पशु क्या है, अपने जब कहते हैं मैं शेर हूँ
और अपने की कभी नहीं कहते मैं पशु हूं, किंतु अपने को क्या कर रहे मैं शेर हूं। मैं यदि कह दूं तू पशु हो पापी कर जाएगा, मेरे थप्पड़ मारेंगे। अच्छा मारेंगे नहीं मारेंगे, बोले हमें पशु कहते। और अपने को क्या कर रहे मैं शेर हूं, शेर पशु नहीं है क्या, शेर मनुष्य है क्या? क्या जी पशुराज, पशु के वो भी पशु में श्रेष्ठ हो, वो भी पशु में श्रेष्ठ। विक्रम जो है, हाँ विक्रम जो है उसी कहते हैं। चलो जो हम कथा कहते जा रहे हैं, योग्यता विचारी, जिस प्रकार मैंने कहा ये माता पिता अपने पुत्र के चेयर पर बैठा देते हैं, सिंहासन पर बैठे देते हैं, और माता पिता कहाँ बैठते हैं, जमीन पर बैठते हैं। इसके मतलब नहीं है माता पिता छोटा हो गया और बेटा बड़ा है, माता पिता ही माता पिता स्थान में ही रहता है, है? पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितरि प्रतिमा अपन्ने प्रियंते सर्व देवता, पिता की स्तुति है, पिता सर्ग स्वरूप है, पिता सर्ग पिता धर्म स्वरूप ही है, साक्षात धर्म स्वरूप पिता है, पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप, पिता साक्षात तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप है। पिता प्रसन्न होने पर देखो समस्त पितृलोक जो है वो भी प्रसन्न होता है, पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितरि प्रतिमा अपन्ने प्रियंते सर्व देवता, और पिता प्रसन्न हो और समस्त पितृलोक प्रसन्न हो और देवता लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं, और देवता लोग प्रसन्न होने की कहता है दैव बल तुम्हारे पास जाता है, इसलिए शास्त्र में दैव बलम ही परम बलम है, दैव बलम ही परम बलम, दैव बल जिसको हो जाता है परम बल बलवान हो जाता है, इतिहास साक्ष्य देते हैं। जैसे अर्जुन कितने दैव बल प्राप्त किया, एक साल तक स्वर्ग में रहे और नाजी ने कितने देवताओं की पल बल प्राप्त किए मंत्र सिद्धि करके, ठीक है ना, महाभारत में दिखा है ना, अर्जुन जी एक साल तक स्वर्ग में रहे हैं, ये समस्त वर्णन, और उस लोग भी उसके भी बल प्राप्त कर लेते हैं, वो अपव्यवहार करते हैं मिस यूज कर देते हैं है? चलो हम जी कहते जा रहे हैं श्रेष्ठ गुण हो अथवा नहीं हो, गुरु वैष्णव जहाँ पर बैठे तो बैठ जाते हैं, आ समय जैसे अभी अभी रामचंद्र प्रभु ने घोषणा भी कर दिया है, क्या बोले हमारी सोसाइटी आईजीबीटी है प्रेसिडेंट, वो होता है ना बिना किसी उसके महाराज जी के जाने के बाद, पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी के जाने के बाद प्रेसिडेंट बन गए थे, वो औपचारिक थे, आज घोषित हो गए वाइस प्रेसिडेंट, अभी वो सोम जी ही हैं, मेरे कहने की तात्पर्य है, देखो मेरा कथा याद आ जाता है, जब भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज की उसमें मैं पढ़ रहा था एक लेख है, उन्होंने दीनहीन होकर के भी कह रहे हैं मेरा तो कोई योग्यता नहीं है इस सिंहासन पर इस आसन पर बैठने के लिए, तथापि वैष्णव लोग आसन पर बैठा दिया, जैसे उनकी कथा मैं बता उनके लेख में पढ़ रहा था कथा सुन रहा था, वैष्णव लोग कृपा करके ऊंचे आसन पर बैठ दिए बैठ गए, जैसे माता पिता छोटे बच्चे को ऊंचे आसन पर बैठ दिया बैठ गए, बच्चे को क्या होता है, हमारी उसी प्रकार है, हमारी योग्यता नहीं है, हम जानते हैं हमारी क्या योग्यता है, किंतु वैष्णव लोग ऊंचे आसन पर बैठे थे बैठे है, गुरु वैष्णव की प्रति गुरु वैष्णव की है,
आनंद होता है। जैसे माता पिता छोटे बच्चे के ऊपर बैठा देख करके क्या करते हैं, आनंद हैं, ताजी देते हैं, है? तो हमें भी ऐसे ही है, आनंद ले आज। हाँ, सेवा वृत्ति जगे। गुरु विष्णु के हम सेवा कैसे करें, निष्कपटे कबे है नो दशा हवे, निष्कपट हम सेवा करते रहें, कई छल कपट में नहीं आ जाए, निष्कपट में सेवा करते रहें। गुरु विष्णु की सेवा हो हमारे जीवन, क्योंकि ये जीवन हमारे क्या है, सेवामय जीवन है। भले पद रहे अथवा पद नहीं रहे, किंतु हमें क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। जीवन में कभी सोचे ही नहीं है, हमें भी पता भी नहीं था है, इन्होंने कब मुझे वो कर दिया था, क्या बोले, वाइस प्रेसिडेंट लिख दिया था है, बहुत दिनों के बाद पता चला है कि नहीं। किंतु सेवा हमें करना है, गुरु विष्णु की सेवा करना है, हमारी जैसे योग्यता है, हमारी योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार हम सेवा करते रहे। सेवा ही परम धर्म है। पद में अधिष्ठित रहना और नहीं रहना ये मुख्य उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य क्या है, सेवा की भावना। सेवक के धर्म क्या है, सेवा करना। इसलिए भक्ति चंद्र प्रभु बात लिखते हैं, सेवक के विश्राम नहीं, क्या बोला, सेवक के विश्राम, जो सेवक होते हैं उसके विश्राम नहीं होते हैं, वो सेवा भी विश्राम है, है? देखो मैं सच में बोलता हूँ, अपना आत्मा प्रसन्न रहने के लिए यहाँ से कम से कम 22-24 घंटा फ्लाइट करके जाता हूँ, क्या बड़े जल्द चले जाता हूँ, और इधर की रात होता है उधर दिन हो जाता है, इतने समय के बाद 30 घंटे बार में तब भी भक्त लोग इंतजार करते रहते हैं, महाराज कब बोलता है, हरी कथा बोलेंगे, हरी कथा बोलेंगे, जिसे पूछो है, मैं वहीं पर जाकर के ना डायरेक्ट मैं वहीं पर बैठ जाता हूँ और भक्त लोग बैठ जाते हैं, कथा बोलना मेरा तो स्वभाव लोग जानते हैं, दो घंटे तक मैं कथा बोलता रहता हूँ, 30 घंटा ट्रैवल करके फिर मैं, कम से कम 2 घंटा तो हमारी चाहिए है, 2 घंटा हरी कथा, हम कब कंजूसी नहीं करते है, आप यहाँ पर सारा रात बैठे रहो मैं बोलते रहूँगा है, कोई नहीं रहे तो है, कोई नहीं किसी को, आजकल भी बोलना पड़ता है ना, अभी के देखो आजकल तो भाई हर रोज भी देता रहता हूँ, लाइव में देता हूँ ना, क्या बोले, इंटरनेट में, आज से आज के कई दिन देखो, काल आज सारा दिन है यहाँ पर कथा बोले, फिर वो चाइनीज भक्तों के दिया कि नहीं 1 घंटा, वो हमारे पास आप लोग थोड़ी बैठे थे, वो तो हम बोलते बोलना शुरू करते बैठे नहीं भक्त को देख बेचकर भगवान की ऐसी कोरोना के चक्कर से क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया, कोई आता ही नहीं मंदिर में है, चलो लगा देते हैं क्या है, कोई तो है ही नहीं, क्या करें, मजबूरी है, किंतु भक्त रहने से उद्दीपन होता है, ये बात सत्य है, हैं प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो भक्तचंद प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं कलकत्ता में बैठ करके जो हरि कथा बोल रहा हूँ, जो राधा कुंड की महिमा बोल रहा हूँ, अब उसमें देखना उसमें लिखा है, और मैं राधा कुंड में बैठ करके जो हरि कथा बोलता हूँ उसमें अंतर पड़ता है, हैं वास्तविक सत्य है, क्यों, भक्त के उल्लास देख करके हमारी उल्लास होता है, रथ यात्रा के समय तो यही बोल रहे हैं, उसमें पढ़ना चैतन्य चरितमृत में, जगन्नाथेर मुख देखे करे झलमल, जब जगन्नाथ जी के रथ चल रहे हैं और उसमें जब वो सूर्य के रश्मि जब वर्णन है रहे, हम नहीं करें है, और जगन्नाथ के सूर्य के रश्मि जब तिरछी से होकर जगन्नाथ जी के मुख पर पड़ते हैं और जगन्नाथ जी के मुकुट पर जैसे झलमल झलमल करते हैं, महाप्रभु के उद्दीपन कैसे होता है, और महाप्रभु उस समय और भी उद्दंड होकर के नृत्य आदि करते रहे है, उसमें लिखा है जगन्नाथेर मुख देखे करी झलमल, और उस समय महाप्रभु उद्दंड होकर नृत्य करते, क्योंकि भक्त के उल्लास आनंद होता है। एक कोई भक्त बैठे रहे भले समझे नहीं समझे, केवल मुस्कारते रहे, समझे हम वो सुन रहे, भले वो अपने कुछ चिंतन करके बैठे वो चिंतन कर रहे, कोई भी बात नहीं, हमें क्या लेना देना है, है? किंतु कोई सो जाते हैं तो कहते ये सो नहीं है, पढ़ो ये स्मरण में चल रहे, चलो
उद्दन नृत्य होता है, वास्तविक है। भक्त लोग जिस सामने हो बोलने के जोश आता है कि नहीं जाता है, है? देखो हमारे जितने भी भक्त हैं यहाँ पर पुरुष दिन जब बैठे कल के पुरुष है गुरुदेव भक्त माइक छोड़ना नहीं चाहते माता महाराज सबके दीदे 25 मिनट चलते जा रहे। अब तब भी वो सोच रहा हमें तो 5 मिनट बोला अभी तो वंदना किया, क्योंकि जब अनेक लोग एकत्रित होता ही है वक्ता के लक्षण होता है, जोश आता है भगवत कथा में, आनंद होता है, है? सबसे बड़ी आनंद कथा है भगवत कथा में, जितने आनंद है और किसी कथा किसी वस्तु में आनंद नहीं है, है? वास्तविक सत्य है कथा में इतने आनंद है, है? उसमें भूख प्यास अपने आप भूल जाती है, है? इसलिए तो श्रीमद् भागवत में दिखा रहे 7 दिन 7 रात लगातार परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी बोलते जा रहे हैं, और 7 दिन 7 रात तक लगातार परीक्षित महाराज हैं श्रवण किया कि नहीं किया, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। 5 दिन बाद बोला था सुखदेव तो पानी पी लो बेटा अभी, हाँ गुरुदेव कहा करते देखो आप कथा कथामृतम जो पान करते हैं है अमृत पी रहे हैं, तस्मिन महान मुकुरता आपके मुखार बिंद से जो ऐसे सुंदर भगवान की जो अमृतमय कथा निकाल रहे हैं वो अमृत है, वो कथा श्रवण होते जा रहे हैं। जैसे अभी अभी बता रहे हैं, समय तो हो गया मैं बंद करता हूँ। 3 प्रकार होता है वो तो उस दिन बताया, गुरु 3 प्रकार होता है, मैं कहता हूँ वक्ता भी 3 प्रकार है, भक्ति अंत उसमें आ रहे हैं लेख में, वक्ता 3 प्रकार होता है। एक वक्ता जो नित्य गोलोक वृंदावन धाम से आते हैं है, वो वक्ता क्या है, वो साक्षात उस लीला को दर्शन कर रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, वो उत्तम कोटि के वक्ता होता है, समझा? उत्तम कोटि के वक्ता कौन होता है, उंगली निर्देश करे है, एता शब्द के होता है संस्कृत में, मैंने ये साक्षात मैं देख रहा हूं हमारे पास बैठे हुए, उंगली निर्देश करके होता था, एता शब्द होता है, एता परांग तनुभुवो भूमिको बद्धो साक्षात रूप में सुखदेव गोस्वामी पाद गोपियों की प्रेम महात्मा को दर्शन कर रहे हैं, जिस उद्धव स्तुति में जो आ रहे हैं, एता परांग भूमिको बद्धा, इसमें एता शब्द क्या होता है संस्कृत में, एता शब्द होता है जहां पर साक्षात रूप में दर्शन उंगली निर्देश होता है, जैसे आप बोलते हैं आप उंगली, ये संस्कृत में साक्षात उसके उत्तम कोटि के वक्ता कहा जाता है, लीला दर्शन होते जा रहे हैं और उसको बोलते जा रहे हैं, ये उत्तम कोटि के। और दूसरी क्या है, मध्यम की वक्ता कैसे होते हैं, गुरु मुखात श्रवण किया, जैसे गुरुदेव के मुख से श्रवण किया है और उसी कथा को बोलते जा रहे हैं, उसके कहा जाता है मध्यम है, मध्यम वक्त की शास्त्र में कहा गया। इसलिए कनिष्ठ वक्ता जो है उससे कोई विशेष कोई फल नहीं होता है, है? जो केवल पढ़ करके आया भले ही वो समझे नहीं समझे है, आज केवल वो रट लिया और आकर के बस वही बोल दिया है, अथवा कोई करते हैं क्या है? रटना भी आता ही भी नहीं है, वो क्या करते हैं देख करके लिख करके है? बोल देते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ भाई, जैसे कहो भाई हमारे मेमोरी कम है लिख लो कोई भी बात नहीं, इसमें हम ये नहीं करते हैं है? किंतु उत्तम भागवत माने उत्तम वक्ता इस प्रकार साक्षात भगवत की लीला है दर्शन कर रहे, अब निकलते जा रहे है उसके मध्यम वक्त, इस कनिष्ठ वक्ता की विशेष महत्व नहीं दिखाया है, क्योंकि वो कनिष्ठ वक्ता के लोक रंजन आ जाता है, इसलिए कम से कम वक्ता कैसे होनी चाहिए, मध्यम वक्ता होनी चाहिए, उस मध्यम वक्ता से ही कथा श्रवण होना था है। आज समय अधिक हो गया है, जो टाइम मुझे दे संगीता को मैं उल्लंघन कर देता हूँ, क्योंकि भगवत कथा ही ऐसी ही है, समुद्र जो है अपने तटदेश के जो है छोड़ करके कभी उछल करके चले जाते, भगवत कथा तो वही है, है?
समझ में आ रहा है? जैसे समुद्र की लहरियाँ क्या करती हैं, आकर के कभी कभी क्या करते हैं, समुद्र के तट देश में आकर धड़ास कर गिर जाते हैं और चारों तरफ पानी फैल जाता है। देखा कि नहीं देखा है? हम जाते हैं इंग्लैंड में, ऐसे एक आइलैंड है, है? हम जब जाते देखते हुए डर लगेगा है, वो कौन सा है? नहीं पूरी करने, वो देखो समुद्र के ऐसे जब ऐसे लहरी होते ना, पूरा रोड के जो है ऐसे डूब करके चले जाते हैं, है? पर गाड़ी चलती है उसमें, है उसमें। इंटरनेट में देखना है, एक शिव जी के मंदिर है समुद्र के अंदर, है? कुछ समय के लिए वो पानी के नीचे चले जाता है और फिर उठ जाता है। हर 12 घंटा अंतर पानी के नीचे चला जाता है, है? 10-20 फुट पानी में नीचे चला जाता है और फिर ऊपर आ जाता है। उस समय लोग जाते हैं उसके दर्शन करने के लिए, और यदि ये आ गया तो डूब के चला जाए, है? आ समझ वही से होता है। बोले भगवत कथा अमृत है, है? बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बोलो गोविंद बल हरि गोपाल, बोलो गोविंद गोविंद बल हरि गोपाल, बोलो गोविंद। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनु आरी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। एक मिनट रुक जा प्रभु जी, मैं तीर्थ महाराज की कथा बताऊँ। तीर्थ महाराज एक बार बोल रहे थे, है बर्मा, क्या हो सकता है ये लोग फ्री में जो ब्रजमंडल परिक्रमा कराते हैं, कैसे ऐसे होगा एक दिन हम भी फ्री में कराएंगे। मैं कहा देखो आपकी इच्छा हो तो मैं आपको अति अवश्य ही सहयोग करूँ, आप करो फ्री में कराओ सबको, है? जो ऐसे दे डोनेशन दे, किंतु कोई एरी रहेगा, फीस नहीं लगेगा, फीस नहीं लगेगा, है? हम ही ऐसे अनुप्राणित करें। मैं कहता हूँ ब्रजमंडल परिक्रमा फ्री में हो, है? है? क्योंकि तीर्थ महाराज की इच्छा होने बने को बार उन्होंने कहा है, जब ये करते रहते हैं। क्या नाम? उनके जो बंगाली भक्त हैं तो लगभग फ्री में ही करते हैं। हाँ लगभग नहीं, फ्री में ही करते हैं वो तो ले जाते हैं, 1000 रुपया देते हैं, 2000 रुपये के सामान ले जाते हैं। आप बताओ फ्री में जो करते हैं, फ्री में तो करते ही है, है? किंतु हम ये कहते हैं वास्तविक सत्य है, है? क्यों नहीं होगा? हम निस्वार्थ रूप में करें तो होने की संभावना है, है? आ समझे चार्ज, हम तो कहते चार्ज नहीं रखें, छोड़ दो, दिलदार खुल के खिलाओ ना, कितने चावल पड़ाए कितने, है? सही और जितने खिलाओगे ना उतने तुम्हारे पास आएगा, जितने तुम दिलदार हो जाओगे उतने आएगा तुम्हारे पास। नुकसान तो होना बहुत दूर की बात, 3 डबल आएगा, है? हाँ और क्या, प्रमाण ले जाते हैं खाली, फ्री बस में ले जाते हैं गोवर्धन, है? और प्रसाद भी देते फ्री दे, और इतने पैसे आ जाते हैं क्या बताऊँ, है? हम भी देखा, आज ये पूछो हमारे ब्राजील जी मर जाए, है? हर रोज 300 व्यक्ति के खिलाते हैं ये लॉकडाउन में, और भक्त लोग ये बनाते हैं, ये पूछो, है? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने कहा हाँ खिला, है? आ जाता है, तुम जितने करोगे ना डोनेशन उतने ही आ जाएंगे, और तुम जितने कौन से कर पैसा करोगे ना वो उतना ही, बाली कुछ तुमने इकट्ठा कर लिया किंतु आएगा पैसा, आएगा, है? आपके विचार क्या है? बोलो वृंदावन करते हैं महाराज जी, हमने अभी ये 3 दिन का कार्यक्रम किया है यहाँ पे, किसी से फीस तो ली नहीं, पर उनको खिलाया है, दोपहर को भी खिलाया है, शाम को भी खिलाया है,
और यहाँ पे लोगों को ठहराया भी है, हाँ। किसी से एक पैसा भी नहीं मांगा। मांगने की जरूरत नहीं, वो दे जाते हैं, दे जाते दे जाते। हम तो जो भागवत सत्याग्रह वहीं पर जो खिलाए है सामान आ जाते थे, मैं देखा तो चित्त के जितने उदार कर देते हैं। अभी जो ये कोविड हुआ था, हाँ। उसमें हमने पहले खिलाना शुरू किया गरीब लोगों को, पहले 500 लोगों को किया, फिर 1000 को किया, हाँ। 2000 को किया, फिर 2 गाड़ियाँ मंगा के 3-4 हज़ार लोगों को डेली कराते थे। इसमें योगी महाराज जी का बड़ा वो है, लेकिन 10 जगह से इतने हाथ आए, हमें सच्ची बात बता रहा हूँ, पल्ले से कुछ भी नहीं लगाना पड़ा, और आज भी उसकी दाल चावल पड़े हुए। जय हो, बात सही है, हमें तो अनुभव करके देख। अब एक प्रॉब्लम आ गई बड़ी ज़बरदस्त, एकाशी वाले दिन क्या करें? बोल रहे निर्जला रखो ना, एकाशी वाले दिन क्या करें? मैंने योगी महाराज जी को कहा भाई हम गौड़िया मठ से हैं, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, आप एकाशी वाले प्रसाद। उन्होंने किया, उन्होंने एकाशी वाले दिन वो आलू की सब्जी बिना टमाटर वगैरह के में आलू के भुनकर करके दिए, हाँ। लोगों ने बड़े प्रसन्नता से खाए, और इस तरह से हमारा एकाशी का भी पालन प्रसाद बढ़ता रहा, बहुत अच्छी थे। और ये कार्यक्रम 4-5 महीने चला। पहले हमारे देवानंद गौड़ी मठ में जो है, जब शुरू शुरू में जब आया था, उसमें टिकट नहीं बनता था, है उसमें जो है जो चावल करते उसमें किसी के पीछे पैसा वैसा नहीं लेते थे। फिर देखा किंतु होता है क्या, उसमें संभालना लोगों की कठिन हो जाता है, इसलिए टिकट बनाने की तत्पर जो होता है बात जो फीस होते हैं रोक लगाना है, किंतु उससे वास्तव से पैसा नहीं होता है। जैसे ये कह रहे हैं हम, देखें हम स्वयं, मैंने हमारे जो चाचा जी है उसके मैं स्वयं ही व्यवस्था करते थे, है टिकट काट ये करने के लिए, क्यों किया ना वो उसमें वो टिकट करने से क्या, कम से कम कुछ लोग तो ये करेंगे जो कुछ लोग आएंगे ना, क्योंकि अनेक लोग आ जाता है संभालना मुश्किल हो जाता है और इधर उधर के लोग आ जाता है, आ समझ में नहीं, इधर उधर समझते हो जो हमारे भक्त भी नहीं है, ऐसे बाउल संप्रदाय ये संप्रदाय फ्री में मिल रहा है, बीड़ी पिएगा। यहाँ पे लोग बैठे हैं 800 कथा सुन रहे थे, लेकिन जब प्रसाद बांटा जाता है तो 1500। हाँ वो तो सही है, बात सही है। बहुत लोग हैं ना झोपड़ी से ऐड से उसे बीड़ी पीने वाले, शराब पीने वाले, और वो भी क्या करते हैं। अच्छा हम बनाते भी 1500, समस्या ये पैदा हो जाती है, वो आगे लाइन में हो जाती है और जो भक्त, हाँ ये भी देते, ये नवद्वीप परिक्रमा ऐसे ही होता है ना, वो गांव के लोग इधर आ जाते हैं और हमारे जो भक्त जो परिक्रमा करने वाले उसके ये करना होता है, सबके दिया जाए प्रसाद, सबके दिया जाता है, ठीक है प्रसाद तो बनाना सबके है, किंतु असल यही हो जाता है मैनेजमेंट में क्या होता है, एक कठिनाई हो जाता है और कुछ नहीं, फ्री करना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु सिर्फ मैनेजमेंट करना वो मुश्किल होता है, यही होता है और कुछ नहीं है। और स्टैंडर्ड भी रखना पड़ता है भाई, कैसे लोग आ रहे हैं, सब जगह खुचड़ी एक साथ में कर दो कैसे हो जाए, जैसे नवदीप में दिल्ली वालों के लिए, हाँ। शहर वालों के लिए अलग से बनाना पड़ता है, वो फिर स्टैंडर्ड अलग। इसलिए हमारे त्रिविक्रम महाराज कहते थे, कोई कहते थे कि आप धनी लोगों के अच्छा प्रसाद देते हो, हम गरीब लोग देते नहीं, बोले उन लोग सेवा किया ना, है बोले वो 100 रुपया दिया, तुमने कितना दिया, 1 पैसा नहीं दिया, अच्छा तो 100 रुपया में उनको मैं 50 रुपये का खिलाया और 50 रुपया तुम्हारे के दे रहा हूँ, तो उसको पहले दे तब तो तुम्हें मिलेगा। हमारे त्रिविक्रम महाराज इतने डायरेक्ट बोल देते थे, भाई आपने 100 रुपया दिया, आपके यदि मैंने अच्छी प्रसाद नहीं दिया, आप 100 रुपया नहीं दोगे और बाकी जो लोग जाए उसके प्रसाद कहाँ से मिले, सीधी बात है कि नहीं, आएंगे नहीं महाराज जी, हैं दिल्ली वाला आएंगे नहीं प्रसाद, हाँ दिल्ली वाला नहीं आएंगे, दिल्ली वाला नहीं आएंगे, दिलदार नहीं हो तो उन लोग के कैसे खिलाएंगे भाई। हम लोग महाराज जी बात ही सही है, 3-4 साल से एकाशी यहाँ पे मठ में करा रहे हैं लोगों, जी जी दोपहर को भी लोग आ जाते हैं और शाम को भी आते हैं, 300-400 लोग आए, 200-300 कथा सुनते हैं और फिर एकाशी का प्रसाद। हमने पहले एकाशी रखाने का अनाउंस ये किया भाई तुम लोग घर पे मत बनाओ प्रसाद, यहीं आके खाओ, और फिर खाली एक टाइम नहीं खाओ, दो टाइम को सुबह भी खाओ शाम को भी खाओ। एक आदमी बनारस जा रहा था, उसकी बीवी बोलती है
मेरे लिए एक साड़ी ले, पर याद रखना वहाँ ठग बहुत होते हैं, जितना दाम बोले उसका आधा दे। तो बोलता है ठीक है। अब वो क्या बोलता है, साड़ी कितने की? बोलते 400 की, 200 की देनी है? बोलता है ले जाओ। फिर बोलता है फिर तो मैं 100 की लूंगा। दिखाना ना जितना हो उसका आधा। बोलता बोलता है अच्छा ले जाओ। बोलते फिर तुम्हें 50 की दूंगा। बोलते फिर मुफ्त ही ले जाओ। बोलते फिर तो मैं 2 लूंगा। तो इसी तरह से हमने किया कि एकादशी करो और 2 टाइम प्रसाद पाओ यहाँ से फ्री। और अब काफी लोग 200-300 लोग जो हैं वो दोपहर को आते हैं। फिर अभी रुक गया था, अब हम दोपहर का शुरू कर दिए हैं। अभी कल का प्रोग्राम क्या है? कल प्रोग्राम संडे। कल क्या है? संडे नहीं, अभी संडे नहीं शुरू किया। संडे करेंगे, मेरे ख्याल से संडे भी करेंगे। आपको दिया गुड बड़ी पार्टी है ना, आपको दिया चाबी अपने जेब में रख दिया। महाराज जी आप ध्यान करते हैं, कितना ब्रजमंडल में तो अभी भी